सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स मी ऋतिक फ्रॉम द वंडर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग आ गए एक नया वीडियो लेके, और आज हम लोग आ गए बैरकपुर। बैरकपुर में आज हम लोग जाएंगे दादाबुदी बिरयानी। या लास्ट टाइम हम लोग आए थे लेकिन जा नहीं पाए थे, लेकिन तब हम लोग गए थे यूबिक होटल बारकाम रेस्टोरेंट में। वो वीडियो ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, वो वीडियो जाके देखिए, वो भी बहुत अच्छा बना था, हम लोग मजा किए थे। और आज हम लोग जाएंगे दादाबुदी बिरयानी, जो कि कोलकाता में रहते हैं या कोलकाता के बाहर रहते हैं जो दादाबुदी बिरयानी को नहीं जानते, तो उन सबको आज हम लोग बताएंगे कि दादाबुदी का बिरयानी क्यों इतना स्पेशल है, सब क्यों इसके लिए इतना पागल है। तो आज हम लोग जाएंगे दादाबुदी बिरयानी खाएंगे, उसका रिव्यू देंगे और आपको बताएंगे कि दादाबुदी का बिरयानी इतना स्पेशल क्यों है। तो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई संदीपन आर्ट। संदीपन आर्ट ऐसा है कि जहाँ आपको बहुत अच्छा अच्छा स्केच बना के देगा, जो कि बहुत रीजनेबल प्राइस में है। आप आपका मम्मी पापा भाई बहन गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड जिसके लिए सबके लिए स्केच बनाइए। नीचे लिंक दिया है और नंबर दिया है, आप नंबर में जाके DM कीजिए और आपका मनपसंद स्केच बनाइए, और जो कि बहुत अच्छा है। पर्सनली मैं रिकमेंड करता हूँ कि बहुत अच्छा स्केच बनाता है वो। और दादाबुदी के बिरयानी के बारे में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द वंडर्स। दादाबुदी बिरयानी ये नाम से बहुत स्पेशल है, क्योंकि कोलकाता का वन ऑफ द बेस्ट बिरयानी है हमारा दादाबुदी बिरयानी। दादाबुदी बिरयानी आज से 60 ईयर्स पहले फर्स्ट बैरकपुर में स्थापित हुआ था। दादाबुदी का बिरयानी का रिसेंट ओनर संजीव शाह, उनका ग्रैंडफादर दादाबुदी बिरयानी का ओपन किया था, और संजीव शाह के मम्मी पापा दादाबुदी बिरयानी को चलाता था। दादाबुदी बिरयानी का फर्स्ट नेम था जनता हिंदू होटल, जहाँ पे दाल भात और बाकी सारे नॉर्मल चीज़ें पहले मिलता था। लेकिन अभी का ओनर संजीव शाह जब कॉलेज में थे, तब वो और उनका दोस्त दादाबुदी बिरयानी में फर्स्ट टाइम बिरयानी लाया था। दादाबुदी का बिरयानी स्पेशल है इसका क्वालिटी, क्वांटिटी एंड इसका टेस्ट के लिए। बहुत कम बिरयानी है जो दादाबुदी का बिरयानी के साथ अपना टेस्ट का लेवल मैच कर पाया है। अब थोड़ा बात करते हैं जनता हिंदू होटल से दादाबुदी बिरयानी कैसे हो गया। जब संजीव शाह के मम्मी पापा ये होटल चलाते थे, तब उनका मम्मी का हाथ का खाना इतना अच्छा था कि तब भी बहुत लोग आते थे, और लोग प्यार से उन लोगों को दादाबुदी बुलाते थे, और वहाँ से जनता हिंदू होटल का नाम हो गया दादाबुदी का बिरयानी। दादाबुदी का बिरयानी अभी इतना फेमस है कि लोग बहुत दूर दूर से दादाबुदी का बिरयानी खाने के लिए आते हैं।
सो हे गाइस, फाइनली हम लोग आ गए दादा बोधी बिरयानी। तो आज दो तीन बार ट्राई करने के बाद आज हम लोग आए दादा बोधी बिरयानी, और आज मेरा सामने है दो बिरयानी, जो कि है स्पेशल चिकन बिरयानी और ये नॉर्मल चिकन बिरयानी है। ये है 350 का, 350, और यह है 240 का। तो फर्स्ट मैं 350 ट्राई करूँगा और बाद में 240 ट्राई करूँगा, तो देखते हैं। तो खाने से पहले देखते हैं कि इसका राइस कैसा है। तो आप देख सकते हैं कि राइस बहुत अच्छे तरह से बॉइल्ड हुआ, आलू किधर है भाई मेरा? आलू वही तो आलू। अच्छा, यह है मेरा आलू। आलू बहुत अच्छे तरह से बॉइल्ड हो गया, और चिकन, तो चिकन का साइज़ बहुत बड़ा है। ये देखिए, स्पेशल है ना, स्पेशल है। ओ भाई, बहुत बड़ा चिकन है, चिकन का साइज़ बहुत बड़ा है, और चिकन बहुत अच्छी तरह से, सामने से दिखाओ, चिकन बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। ये ऊपर से बहुत अच्छा रेड लेयर आ रहा है इसमें, और चिकन बहुत सॉफ्ट है। अभी हम खा के टेस्ट करेंगे। ओए होए, ओ भाई, सच में बहुत अच्छा है, चिकन बहुत अच्छे तरह से बॉयल हो गया। और बिरयानी का सबसे जो स्पेशल चीज़ है वो होता है आलू। आलू बहुत अच्छा लग रहा है हम खाने में, और आप देख सकते हैं सामने आकर कि हर जगह एक मसाला है। देखिए, कहीं पे ऐसा नहीं कि वाइट सिर्फ राइस है, ऐसा नहीं, हर जगह एक अच्छा मसाला है। ये स्पेशल बिरयानी है 350 का, और बहुत ही टेस्टी है। ऐसे ही लोग दादा बोधी बिरयानी में नहीं आते, कुछ ना कुछ खास बात है, और आज मैं आपको बताऊंगा खास बात क्या है। खास बात यही है कि अच्छा है, अच्छा यही खास बात है, और टेस्ट बहुत बढ़िया है, और सर्व बहुत अच्छे तरीके से किया है। और ये ट्राई करते हैं, ये हमारा 240 का बिरयानी, 240 है ना, ये 240। इसमें ये लेग पीस दिया है चिकन का, इतना बड़ा। ओ देखिए, इतना सॉफ्ट है कि हार निकल के आ गया। देखिए, इतना बड़ा लेग पीस, मतलब चिकन का पीस बहुत बड़ा है। और आलू देखिए, ये आलू खाने से पूरा पेट भर जाएगा। अब इसको खा के देखते हैं। देखिए चिकन कितना सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है चिकन। थोड़ा चिकन, थोड़ा आलू और थोड़ा राइस। सो गुड। ये भी बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं कि ये कम टेस्टी है या ज़्यादा टेस्टी है, दोनों बहुत टेस्टी है, दोनों का टेस्ट बढ़िया है। लेकिन एक कंफ्यूजन मैं क्लियर करूँगा, भैया बोल रहे 240 का जो है और ये 350 का है, इसमें डिफरेंट क्या है? बाकी इतना ही और कुछ नहीं? अच्छा, इसीलिए हम सोचे कि मतलब टेस्ट का कोई डिफरेंट नहीं है। हाँ, टेस्ट एकदम एक है, इसमें थोड़ा चिकन एक है, उसमें चिकन दो पीस है, और क्वांटिटी इसमें थोड़ा कम है, लेकिन टेस्ट बिल्कुल सेम है। अगर आप एक पर्सन आएंगे तो ये लीजिए, और अगर दो पर्सन आएंगे तो ये लीजिए। इसमें ज़्यादा राइस रहेगा, इसमें ज़्यादा चिकन रहेगा, बाकी बिरयानी बिल्कुल सेम है। तो आप बिरयानी में देख सकते हैं कि इसमें मसाला उतना ज़्यादा मसाला नहीं है, कि उतना ज़्यादा ऑयली नहीं है, कि मतलब किसी को खाने से कोई प्रॉब्लम हो, इतना हैवी नहीं है। इसमें मसाला एकदम परफेक्ट है, जितना होना चाहिए एक बिरयानी में उतना ही है, और ये उन लोग का सबसे अच्छा चीज़ है। और इसमें से बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है खाने का, और सबसे अच्छा मुझे जो लगता है ये चिकन लगता है। ये चिकन देखिए कितना सॉफ्ट है, और मतलब चिकन इतना अच्छे तरह से बॉयल हो गया कि एक मतलब स्कूप में आसानी से आ रहा है।
ये चिकन और ये राइस और ये आलू सभी कुल मिला के बहुत अच्छा है। मैं इसका रेटिंग दूंगा 10 में से 10, क्योंकि भाई दादा बोधी का बिरयानी भाई ऐसे ऐसे वायरल नहीं हुआ। The real दादा बोधी बिरयानी just wow, just wow, seriously, और जो दादा बोधी की बिरयानी को नहीं जानते उन सब के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोकेशन दे देंगे, उधर जाके आप देखिए दादा बोधी का बिरयानी कहाँ है। और सच में कोलकाता का सबसे अच्छा बिरयानी दादा बोधी अभी तक। दादा बोधी का बिरयानी नहीं खाए तो क्या खाए। The stars, this chicken. बिरयानी के साथ जो धनिया का चटनी दिया उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। धनिया इज ओपी, धनिया इज ओपी, तू भी ना खा। बिरयानी का क्वांटिटी बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा था बिरयानी भी, मेरा पेट भर गया। फिर भी आई जस्ट कांट, शी जस्ट कांट, और मेरा भी पेट भर गया, मैं इतना खा नहीं पा रहा। कंट क्लासिक, मतलब आप समझ रहे हैं कितना क्वांटिटी दिया है। मैंने पहले ही बताया था ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय संदीप नाथ, तो थैंक यू हमारा वीडियो स्पॉन्सर करने के लिए। और स्पेशल थैंक्स टू अभय, क्योंकि वो आज आया, हम लोग को बहुत हेल्प किया वीडियो बनाने में, वो नहीं आता तो आज वीडियो नहीं होता, तो स्पेशल थैंक्स टू अभय। तो अभी तक मेरा चिकन ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन वीडियो ख़त्म करना पड़ेगा, तो आज का वीडियो इधर ही ख़त्म होता है। दादा बोधी का बिरयानी जैसे कि बहुत अच्छा था, जैसा ऑलवेज होता है, और मैं इसका रेटिंग 10 देता हूँ 10 में। और तुम कितना रेटिंग दोगे? 10 ऑफकोर्स, ऑलवेज। ओके, सो हमारी तरफ से रेटिंग 10 है। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और चिकन खाइए। तो जो सब्सक्राइब वाला लाल बटन है उसमें दादा बोधी का बिरयानी फेंक के मारिए, लेकिन मारिए ज़रूर, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, ऐसे मत शेयर कीजिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर कोई चलते हो हमसे तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, हम लोग घर से सुधार लेंगे। तो आज का हमारा बिल आया 1070, जिसमें चिकन बिरयानी 240 का 3 था 720, और स्पेशल मुर्ग बिरयानी 350, और बाकी GST 25 और SGST 25, 1070।